ठाकुर क्या लाए हो आज ये तुम? ये है मेरी नई गाड़ी स्कोडा स्लाविया सिंपली क्लेवर। और आज जो मैंने गाड़ी लाया है, जो मैंने ये गाड़ी खरीदी है, ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन गाड़ी है और ऐसी गाड़ी मार्केट में एक भी नहीं। तो वो कुछ खबर है इस बारे में? आपको पता कितने बड़े मूर्ख हो, दोनों गाड़ियां सेम है, सिर्फ लोगों का फर्क है, अंदर का सब मसाला सेम है दोनों गाड़ी में। कुछ भी बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? हाँ। तुमने इतनी खूबसूरत गाड़ी कभी देखी है? देखो तुम्हारी गाड़ी इतनी खूबसूरत दिखती है, ये देखो स्पोर्टी फ्यूल आता है, सब कुछ आता है, मजेदार है, पागलपन है, कुछ खबर है तुमको? चलो इनको एक बात बता दे, ठीक है? ये गाड़ी का नाम है रमेश, ये गाड़ी का नाम है सुरेश, इनके पिताजी का नाम है फोक्सवैगन, इनके पिताजी का नाम है स्कोडा, दोनों की माताजी का नाम है MQB A0IN। ये दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी, वापस आ गई है, चाकन से आती है दोनों। चाकन से आती है? सेम असेंबली लाइन पे बनती है दोनों गाड़ियां, सब सेम है। इनकी माँ भी सेम है? सब सेम है। इसकी माँ की? और बेटा गले मिले, दो भाई मिले हैं बिछड़े हुए कुंभ के मेले में। ऐसा है, जो भी तुमने मुझे भी बोला कि सब सेम है, माँ एक है, बिछड़े हुए बच्चे हैं, सब समझ गया, लेकिन एक चीज बताओ, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सेम है। डिफरेंस ये है कि दोनों गाड़ी में अलग हेडलाइट मिलती है, अलग अलॉय व्हील मिलते हैं, टायर साइज सेम मिल जाती है, दोनों की चौड़ाई सेम है, दोनों की ऊंचाई सेम है, बूट कैपेसिटी सेम है, लंबाई में ये 2 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है, बम्पर थोड़ा आगे आ जाता है, और कुछ फर्क है नहीं। तुमको पता है ये जो लंबी लंबी चीजें होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता है? लंबी लंबी चीजें। अच्छा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? तुमको कैसे पता चलेगा छोटी छोटी? मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ, ये जो बच्चा है रमेश, ये बेसिकली स्कूल में थोड़ा वो स्पोर्ट्स खेलने वाला बच्चा है। या आई लव स्पोर्ट्स। और ये जो बच्चा है वो स्कूल में थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था, थोड़ा क्लेवर था ये बच्चा, तो ये थोड़ा अंडरस्टेटेड है, ये थोड़ा स्पोर्टी है, और कुछ है नहीं। क्या बोलते हो तुम? क्लेवर क्लेवर व्लेवर कुछ नहीं होता, ऐसा है स्पोर्टी फील रखो, निकलो मार्केट में दौड़ो। जब गाड़ी में बैठेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्लेवर क्या है वैसे। तो तुम क्लेवर के बारे में बताओगे जब हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे? तो अभी आइए बैठते हैं गाड़ी में, और मैं तुमको दिखाऊंगा कि इसमें जब आप बैठते हैं तो क्या स्पोर्टी फील आता है, जो एंथुसियाज्म आता है ना फाड़ के, आपको मालूम भी है इसके बारे में कुछ? चलिए बैठते हैं फिर गाड़ी में, देखते हैं। चलो बैठते बात करते हैं, पहले इसमें बैठेंगे। चलो उसमें बैठते हैं, तुम्हारी गाड़ी में पहले। पार्टी, फाइनली तुम्हारे साथ मैं आज तुम्हारी गाड़ी में बैठ के ये देखना चाह रहा हूँ कि सुरेश परफॉर्म कैसा करता है। आपको, मुझे पता है कि आप फैन हो मेरी ड्राइविंग के, और आपको गाड़ी कोई भी हो, आपको मतलब बैठना होता है, मैं गाड़ी चला रहा हूं। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, मुझे तुम्हारे साथ बैठना बहुत पसंद है, क्योंकि तुम इतने चार्मिंग, इतने डार्लिंग, इतने हसीन, एकदम अल्फा महनज़वी हो ना तुम। तुम पप्पी लेने वाले हो। चलो तो हम लोग जा रहे हैं सुरेश में, मतलब स्कोडा स्लाविया, या एस फॉर स्कोडा, एस फॉर स्लाविया, एस फॉर सुरेश, एस फॉर स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। सच बात तो ये बताओ मुझे कि जो मेरे मन में जो एक हमेशा ये चल रहा था कि जो मेरे पास जो गाड़ी है वो सबसे बेहतरीन है, लेकिन तुमने मेरा ये भ्रम तोड़ने की कोशिश की कि नहीं, सिर्फ आप ही नहीं हो, आपके जैसे और भी बहुत लोग दुनिया में घूम रहे हैं। तो ये बताओ मुझे कि क्या फील हो रहा है तुमको इस गाड़ी को चला के, और जो तुमने वो गाड़ी भी मेरी चलाई हुई है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई हैव ड्रिवन एवरी कार इन दिस वर्ल्ड। ओह माय गॉड, यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है? चलो स्कोडा स्लाविया की बात करते हैं, ये गाड़ी में चला रहा हूँ एक हफ्ते से। ये है टॉप मॉडल, लेकिन छोटे वाले इंजन का, 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर इंजन है। अच्छा। और मेरे पास मैनुअल वेरिएंट है ये। हाँ, बिल्कुल। पहले हम लोग ऑटोमेटिक चला रहे थे, आज मैनुअल चला रहे। बिल्कुल। और एक्चुअली मुझे गाड़ी अच्छी लगने लगी है, कंफर्टेबल है, और सेडान है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है, आप देखोगे हाइट है गाड़ी की। ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्पीड ब्रेकर बनते हैं, स्पीड ब्रेकर नहीं होते यहाँ पे, तो मतलब माउंटेन बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, और इनका कोई मेजरमेंट नहीं होता। सबसे दुख की बात ये, और नीचे ठुक ठुक, और ठुकने के बाद चू से आवाज आती है, वो जान निकल जाती है। तो ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इंजन ये मतलब 1 लीटर है, तो पेपर पे लगता है कि यार छोटा इंजन है, लेकिन दमदार इंजन है, 115 हॉर्स पावर है इसमें, और क्या चाहिए। 115 घोड़े पे तुम बैठे हुए हो, 115 घोड़े पे मैं बैठा हुआ हूँ, अब क्या जान ले लोगे आदमी की। 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, तो अच्छी तरीके से रफ्तार पकड़ लेते हैं, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, तो थोड़ी आवाज इसमें आती है, okay. जो बड़े वाले इंजन 1.5 में नहीं आती, इसी का जो बड़ा वाला इंजन है उसमें आवाज कम रहती है, बट इसमें थोड़ी ज्यादा आवाज है, क्योंकि वाइब्रेशन थोड़े ज्यादा है उसमें, कम होते हैं, वो वाले में पावर भी ज्यादा होता है, 150 PS होता है उसमें, 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। माय गुडनेस,
वेरी डेंजरस। नहीं, परफॉर्मेंस बढ़िया है इसकी और मुझे ये कैबिन का लुक अच्छा लगा। इसमें देखो आप अलग अलग कलर्स यूज किए, यहाँ पे नीचे लाइट कलर है, फिर ये थोड़ा शाइनी है, फिर यहाँ पे थोड़ा कॉपर फिनिश है, फिर ऊपर वापस मतलब मैट ब्लैक जैसा मैट ब्लैक टाइप का ही शेड आ रहा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मुझे खूबसूरती के साथ डायनामिक्स के साथ हर चीज मिली हुई है इस गाड़ी में। जो आती थी वेंटो और रैपिड, हाँ। वो ग्लोबल गाड़ी थी, यानी कि दूसरे मार्केट में मिलती थी, इंडिया में मिलती थी बिल्कुल, और उसमें एक सॉलिडिटी वाली फील आती थी, हाँ। उनका स्टेयरिंग थोड़ा हेवी होता था, ओके। दरवाजों की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती थी, कैबिन में अच्छे क्वालिटी के सॉलिड मटेरियल मिलते थे। तुम्हें ऐसा फील होता है क्या कि जो बाहर के लिए ग्लोबल गाड़ियां बनती है उनका स्टेयरिंग थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, और इंडिया के लिए जो गाड़ियां बनती है वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं थोड़ा ज्यादा? वैसा मतलब सिर्फ स्टेयरिंग की बात नहीं, मैं ओवरऑल गाड़ी की क्वालिटी की बात कर रहा हूं। मतलब ये वर्टस और स्लाविया इंडिया के लिए बनी है, राइट? तो कुछ कुछ चीजों में दिख जाता कि इंडियनाइजेशन, जैसे ये क्वालिटी अब देखो, हाँ, ये देखो, ये थोड़ा ये बहुत हल्की क्वालिटी है, ये अब देखो ये थोड़ा लूज है, हाँ, ये लूज वो है। ये दिक्कत आपकी गाड़ी में भी तुमको है, पता है मुझे लूज चीजें पसंद नहीं है, पता है ना तुमको? देखो ये आपकी गाड़ी में भी सेम दिक्कत है, ये जो एसी वेंट्स है इसमें खटखट आवाज आती है, देखो ये खटखट आवाज आती है, तो टूट जाएगा ऐसे लगता है मुझे अगर जरा जो ताकत लगा दो तो। 20 लाख का बजट है आपका, आप एसयूवी लोगे या एसी सेडान लोगे? मैं 100% एसयूवी लूंगा, मैं ये सेडान नहीं लूंगा अगर 20 लाख का बजट है तो। पूछो क्यों? नहीं क्यों? क्योंकि उसमें मुझे मिलता है हाइट। अच्छा, आपको मतलब ऊंची चीजें पसंद है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, लेकिन पान पराग मत करना, वो नहीं होता अच्छा। पान पराग खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है, और आप लोग भी बिल्कुल ना खाइए। आपका क्या कहना है पब्लिक को? नहीं नहीं, उन सब नहीं खाना चाहिए। देखो अच्छी गाड़ी है, लाल कलर की, एकदम फरारी वाली वाइब्स इसमें मिलती है, राइट है ना? राइट, आप बोल रहे हो रेसिंग कार आपकी, ये रेसिंग कार तो ये मेरी रेड कलर की फरारी है। आपने रेड कलर करवा लिया है इसलिए आपको लग रहा है ये रेसिंग कार ही है, लेकिन आप मेरी गाड़ी में बैठना, वो ब्लू कलर की गाड़ी है और वो फाड़ के चलती है। अच्छा, मतलब हाँ, वो एकदम हिला के रख देती है पूरी दुनिया को। आपको पता है, तो एक काम करते उसी में चलते फिर ड्राइव पे, तो आपको मैं दिखाता हूँ आज। आप मेरी गाड़ी चलाइए। अच्छा। और चला के देखिए और उसको फील कीजिए। आप अभी अपने गाड़ी का फील ले रहे हो ना? हाँ। अभी आप मेरी गाड़ी का फील लेना और फिर महसूस करना कि मेरी, चूंकि वो गाड़ी मेरी है, अच्छा, चाहे वो किसी भी कंपनी की है, हाँ। तो मेरी गाड़ी तो बाप ही होगी ना, आप समझ रहे हैं ना, मतलब पागलपन। अरे ए मारो इसको पार्टी। यस, अब बताओ तुम, अभी मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा था, मैंने फील किया, सब कुछ देखा, अब तुम मेरी गाड़ी में बैठे हो, अब तुम बताओ मुझे कि इस पे बैठने के बाद तुम्हें क्या फील आ रहा है मेरी गाड़ी में? एक सच सच बात बताओ, आपका दिल टूट जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। कुछ फर्क नहीं लग रहा, सेम है चलने में, सेम इंजन है, सेम मैनुअल है, सब सेम है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया ये बोल के। 19-20 का फर्क है बस, इसका स्टीयरिंग थोड़ा ज्यादा हेवी फील हो रहा है, उसका थोड़ा कम था, लेकिन दोनों में कुछ फील और फील ज्यादा, ऐसा फर्क कुछ नहीं दिख रहा आपको? अरे यार, सस्पेंशन का सेटअप थोड़ा अलग लग रहा है, वो भी ज्यादा कुछ है नहीं फर्क, ओके, बट मोर ऑर लेस सेम है दोनों गाड़ियां, सेम ही है। लेकिन पता है अब ये जो है ना, ये मेरा दिल तोड़ दिया ये बात। मतलब मैं सोचता था ये बंधन तो प्यार का बंधन है। अब मैं आज मैं एक और भ्रम तोड़ देता हूँ, चलो आपका, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, नहीं हो आप? नहीं हो आप मेरे जितना अच्छा नहीं गा सकते हो, मेरी लेवल का मतलब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये जो दो बड़ी गाड़ियां जा रही है, ये दोनों बड़ी गाड़ियां क्या है और हमारी गाड़ियों से क्या रिश्ता है इनका? वो जो लेफ्ट में है वो स्कोडा कोडियाक है, हाँ? जो मतलब आती है कुछ 40-45 लाख की, ओके। ये जो राइट वाली जा रही है वो टिगुआन है, हाँ? वो भी कुछ 40 लाख आसपास आती है, ओके। दोनों बड़ी एसयूवीज है सेम कंपनी की, हाँ? और हम जो चला रहे थे वो बेसिकली एंट्री लेवल कार है, सेम सेगमेंट की, तो मतलब ये हमारी एंट्री लेवल कार है और वो उससे अपर सेगमेंट की, हाँ, तो बेसिकली फंडा ये बॉलीवुड से अगर आपको मैं एनालॉजी दूं तो छोटे छोटे भाई ओके बड़े भैया। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते, तो मेरे को कहाँ आना है? आज बनेंगे किसी के सैया, वही है सीन बस, ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, तो मतलब ये दो रमेश और सुरेश, और वो दोनों रमेश सुरेश के बड़े भाई गजोधर और पंडित, समझ रहे हैं आप? गजोधर और पजोधर। ये क्या बात करता है यार। तो आप मुझे जरा इसका डिफरेंस जो है, जो आपको लग रहा है सीरियसली थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है हम दोनों गाड़ियों के बीच में, तो क्या है? चलो देखो, सबसे पहले दोनों गाड़ी में डैशबोर्ड की डिजाइन पूरी अलग मिल जाती है। आप सच सच बताओ किसका डैशबोर्ड? सच बता रहा हूँ, मुझे आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड मुझे ज्यादा पसंद आया, स्लाविया क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। स्लाविया के डैशबोर्ड में एक फील है जो मेरी गाड़ी में नहीं है। अब आया ना लाइन पे,
इंजन में दम होना चाहिए, राइडिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी फीचर के बारे में जरा आप बताएंगे, क्योंकि मैं इसको भगाता बहुत हूँ, तो इसमें सेफ्टी फीचर कितना है? दोनों गाड़ी में एग्जैक्ट सेम सेफ्टी फीचर आते हैं। लोअर वेरिएंट लेंगे दो एयर बैग आपको मिलेगी, टॉप मॉडल में छह एयर बैग मिलेगी। ओके, एबीएस मिलता है, ईबीडी मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको। इसमें आपको मिलता है ईडीएल का फीचर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक। और बेसिकली मतलब सेफ्टी फीचर्स में लोडेड है दोनों गाड़ियां, वो सब दिक्कत उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं, मतलब अपन सेफ है गाड़ी में, डेफिनेटली सेफ। आप अपनी गाड़ी में भी सेफ हो, मैं मेरी गाड़ी में भी सेफ हूँ, और सबसे खुशी की बात है कि आप मेरी गाड़ी में भी सेफ हो। कोई से बचता नहीं है मुझसे, वो तो पता आपकी ड्राइविंग इतनी बुरी है ना, इसलिए मैं चल रहा हूं। ड्राइविंग की वजह की बात नहीं कर रहा हूं, सेफ्टी मेरे साथ रहना अलग अलग वाली बात होती है। चलो मैं एक चीज बताता हूँ, दोनों गाड़ी में और मेन क्या फर्क है। अब स्कोडा स्लाविया जो है मेरी गाड़ी, उसका अगर आप लोअर वेरिएंट खरीदोगे, उसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं मिलती है, सारी हैलोजन लाइट मिलती है बल्ब वाली। ओके, ये वाली गाड़ी का कोई भी वेरिएंट लो, आपको एलईडी लाइट मिल जाती है प्रोजेक्टर। अरे देवा, मजा इस बात का है कि गाड़ी कोई भी हो, हम दोनों जब भी साथ में बैठते हैं और गाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं, पब्लिक को भी अच्छा लगता है वो। मतलब कई पब्लिक जो कमेंट में देखता हूँ, कमेंट में भाई लोग, आप लोग जो कमेंट करते हो ना, बड़ा मजा आता है उसमें। क्योंकि क्या होता है कि इससे हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें गाली वाली भी दो, हमें चलता है, कोई इश्यू नहीं है, इसको तो ज्यादा दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप नेक्स्ट कंपैरिजन बताइए हमें कि आपको क्या देखना। मैं सोचा स्कॉर्पियो का कंपैरिजन करते हैं सबके साथ, सफारी, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्या बात, पुरानी स्कॉर्पियो 500, 700, 300 सबके साथ। मतलब कि पागलपन पे चलने वाला है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है, तो भाई लोग क्या बोलते हो आप लोग, ये जो कंपैरिजन के बारे में भाई बोल रहे हैं कि नए वाले स्कॉर्पियो के साथ सभी बड़ी गाड़ियों का हम कंपैरिजन करते हैं, बड़ी छोटी मीडियम सबके साथ, ऑल्टो 800 से भी कर देंगे, अपने को क्या करने का है, कुछ भी कुछ भी। तो इनफ आई थिंक, दोनों गाड़ियां चला ली हम लोग ने, आपने दोनों गाड़ी में मतलब मजे ले लिए। आप तो बहुत लकी हो आज कि आप दो गाड़ी में मेरे साथ बैठे, मतलब आपका लकी डे है आज। थैंक यू स्टार्स, लकी डे है मेरा, लकी डे है, मैं मानता हूँ ये बात। बट तुम इतनी भी हसीन खूबसूरत नहीं हो, और मैं चूंकि ऐसे शौक नहीं रखता, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मजा आ गया दोनों गाड़ियां ड्राइव करके, और चलिए वहीं पे चलते हैं जैसे जहाँ से शुरुआत हुई थी हमारी, तो वहीं चल के बाकी की बात करते हैं। डेफिनेटली, और बाकी की बात में फिर हम देखते हैं कि क्या निकल के सामने आता है। ओके, बाटे दोनों गाड़ी पे बैठ के देख लिया मैं, बहुत मजा आया। और खासकर तुम्हारे साथ जब भी मैं राइड पे बैठता हूँ ना, मतलब ड्राइव पे बैठने का मजा ही कुछ अलग होता है। मेरी ड्राइविंग ऐसी है कि मतलब सबको मजा आ जाता है, एकदम छल छलाती ड्राइविंग है तुम्हारी। आई नो, लेकिन क्या बताऊं मैं, कैसी लगी दोनों गाड़ियां? देखो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो मैं सोचता था कि बहुत डिफरेंस होगा, अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे ऑलमोस्ट 19-20, 20-19 यही फर्क था, बाकी सब कुछ वही फर्क है, उतना ही फर्क है दोनों गाड़ियों में। देखो डिजाइन इसकी ज्यादा अच्छी लगती है, इंटीरियर इसका ज्यादा अच्छा लगता है। okay. इंजन दोनों में सेम आता है, right. फर्क ये है कि इसके 1.5 इंजन में आपको मैनुअल नहीं मिलता, इसमें आपको मैनुअल भी मिल जाता है। और इसका जो 1 लीटर 1.5 है, उसमें बाहर से थोड़े अलग चेंजेस आपको मतलब मिल जाते हैं। okay. थोड़ी स्पोर्टीनेस इसमें आपको और मिल जाती है 1.5 वाले में, ब्लैक रूफ मिलती है, स्पॉइलर मिलता है, ये वो। इसका 1 लीटर 1.5 लीटर दोनों सेम लगते हैं। प्राइसेस इसकी 50,000-70,000 ज्यादा है ये वाली गाड़ी से। हाँ ये तो है, देखो मैं अमीर आदमी हूँ, मैंने ज्यादा पैसे भरे हैं, आई नो, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जो मेरा भ्रम था कि इससे अच्छी गाड़ी दुनिया में कोई है ही नहीं, इकलौती गाड़ी है, आज सुरेश से मेरा दिल उठ गया। देखो मैं बता देता हूँ, पब्लिक को भी बता देता हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि स्लाविया खरीदनी चाहिए या फिर वर्टस खरीदनी चाहिए। okay. अगर आपको 1 लीटर इंजन वाली गाड़ी चाहिए, ये ले लो स्कोडा स्लाविया, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और मतलब गाड़ियां तो दोनों अच्छी है, फंडामेंटल सेम है, लेकिन अगर आप 1.5 ले रहे हो जिसमें ज्यादा पावर मिलता है, तो अगर आपको बाहर से थोड़ी स्पोर्टी डिजाइन भी चाहिए, तो फिर ये ले लीजिए, इसमें आपको थोड़े एक्सटीरियर पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स मिल जाएंगे जो इसमें नहीं मिलते। और अगर मैं रमेश और सुरेश दोनों के साथ ना जाना चाहूँ, क्योंकि इसके जैसी दूसरी गाड़ी भी मौजूद है मार्केट में, तो फिर मैं किसके साथ जाऊँ? तो रमेश सुरेश दोनों को साइड में रखिए, आप ले लीजिए नीलेश, जो है होंडा सिटी आईवीटेक। ये नीलेश कौन है? होंडा सिटी आईवीटेक जापनीज गाड़ी है, ये दोनों जर्मन है, जापनीज का भी अलग ही मजा है, वो ले लीजिए। आई लव जापनीज, यू नो व्हाट आई मीन? ओह यस, आई नो व्हाट यू मीन। तो ये था हमारा वीडियो, मजा आ गया दोस्तों। आज के वीडियो में आपने कंपैरिजन देखा, और हम काफी टाइम से सोच के रखे थे कि कंपैरिजन करेंगे, और अब फाइनली आप लोगों के डिमांड पे हम लोगों ने ये किया है। आप लोगों को मजा आएगा, और हम बहुत सारी गाड़ियों के कंपैरिजन लाने वाले हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में? जो जो गाड़ियों का कंपैरिजन देखना है, बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो आ जाएगा थोड़े दिनों में। राइट, लाइक करो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जो भी मांगेंगे हम वो देंगे, बस हमारे साथ रहिए और हमें देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए,
पेल दीजिए, खूब सारे वोट कीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।